नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। आइए बात करेंगे सायाहपुर के सुपर फास्ट बुलेटिन की। किसानों की समस्याओं को लेकर किसान यूनियन ने एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव की अगुवाई में आज किसान कार्यकर्ता पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में इकट्ठा हुए, जिसके बाद किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। किसान यूनियन का आरोप है कि धान खरीद में क्रय केंद्रों पर धांधली की जा रही है, जिसके चलते किसान परेशान है। वहीं किसान यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कानूनों को वापस लेने की मांग की है। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसान यूनियन 29 नवंबर को पंजाब हरियाणा के किसानों का समर्थन करने के लिए सायाहपुर से हजारों किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तिलहर में आरएफसी प्रथम धान क्रय केंद्र पर तौल न होने के चलते किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि यहां डस्टर का मोटर फूकने के बाद बुधवार से केंद्र पर धान की तौल बंद है, जिसके चलते किसान परेशान है। किसानों ने यह भी बताया है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, बावजूद इसके अभी तक तौल शुरू नहीं हो सकी है। निगोही पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया इनामी बदमाश इलाके के तालगांव का रहने वाला उवैस है। पुलिस लंबे समय से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे बदमाश की तलाश में थी। फिलहाल अब निगोही पुलिस ने पतराजपुर तिराहे से उवैस को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस को उवैस के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि उवैस के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। बंडा के नटियूरा गांव में मजदूरी के पैसे मांगने पर दबंग जेसीबी मालिक द्वारा मजदूर के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। नटियूरा गांव की रहने वाली सुविंदर कौर ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसका बेटा निशान सिंह गांव के ही एक व्यक्ति की जेसीबी मशीन चलाता था। जब निशान सिंह ने जेसीबी मालिक से रुपयों की मांग की तो दबंग जेसीबी मालिक ने रुपए देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद निशान सिंह ने जेसीबी मशीन पर काम करने से इनकार कर दिया। यह बात दबंग जेसीबी मालिक को नागवार गुजरी और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर निशान सिंह के साथ मारपीट की और उसको बुरी तरीके से घायल कर दिया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि इस दौरान बीच बचाव करने आई उसकी बेटी के साथ भी मारपीट की गई। फिलहाल महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस इस मामले में एनसीआर दर्ज कर छानबीन कर रही है। पुआया से निगोही की ओर जाने वाले मार्ग पर बेकाबू डीसीएम ने ई रिक्शा में साइड मार दी। साइड लगने से ई रिक्शा पलट गया। हादसे में ई रिक्शा सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना पुआया इलाके के सुनारा बुजुर्ग गांव के पास की है। आपको बता दें कि घायल युवक अशोक सिंधौली इलाके के कलुआपुर गांव का रहने वाला है, जो कि अपने रिश्तेदारी में शादी समारोह से शामिल होकर वापस गांव लौट रहा था। घायल युवक को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुआया ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शिक्षक एमएलसी चुनाव को जीतने के लिए भाजपा चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आज तिलहर पहुंचे प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लों के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों का भी बखान किया। आपको बता दें कि शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए 2 दिसंबर को मतदान होना है, जिसके लिए यहां 37,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला कृषि विभाग और कलान पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नकली खाद बेचने वाले 2 सातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली खाद बरामद हुई है। जिला कृषि अधिकारी सतीश चंद्र पाठक ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर बाराकाला के पास एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा, जिसमें 103 बोरी नकली डीएपी, 261 बोरी जिप्सम और 36 बोरी पोटास बरामद हुई है। पुलिस ने तिलहर इलाके के रहने वाले पंकज वर्मा और सायाहपुर के वृंदावन कॉलोनी के रहने वाले आयुष गोयल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिकअप गाड़ी को सीज करते हुए दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है।
तेलहर पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया तस्कर बरेली जिले के फरीदपुर इलाके का रहने वाला रवि वर्मा है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इलाके की सरयू पुलिया के पास रवि को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1 किलो अफीम बरामद हुई है। बरामद की गई अफीम की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने रवि के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। जिले में योग को बढ़ावा देने वाले योग प्रशिक्षक मृदुल कुमार गुप्ता और योग सहायक छविनाथ पाल को आज पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने प्रशस्ति पत्र सौंपते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले वासियों को योग के लिए जागरूक किया जा रहा है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। तेलहर नगर पालिका प्रशासन द्वारा बनाए गए सुलभ शौचालय में पानी न होने के चलते यहां आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नगर के स्टेशन रोड पर गौशाला के सामने बने सुलभ शौचालय में साबुन और तौलिया जैसी तमाम सुविधाएं तो उपलब्ध हैं, लेकिन शौचालय में पानी न होने के चलते यहाँ लोग परेशान हैं। यहाँ तैनात कर्मचारी ने बताया कि पानी न होने की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है, बावजूद उसके 2 दिन से यहाँ पानी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए जुटे हुए हैं। आज निगोही इलाके के गांव चकोरा में पार्टी की सेक्टर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पंचायत चुनाव लड़ाने की अपील की। तेलहर नगर में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नगर के RBM इंटर कॉलेज के बाहर खुले में रखे विद्युत ट्रांसफार्मर के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग से कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी ट्रांसफार्मर को सही नहीं करवाया गया। लोगों का यह भी कहना है कि ट्रांसफार्मर में रोजाना चिंगारियां निकलती हैं, जिसके चलते मोहल्लेवासी काफी परेशान हैं। बंडा पुलिस ने कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त इलाके के चांदपुर गांव का रहने वाला सुरेश है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि चांदपुर में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए सुरेश को गिरफ्तार किया। सुरेश के पास से करीब 20 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं मौके से बरामद हुई 200 लीटर लहन को पुलिस ने मौके पर ही नष्ट करा दिया। फिलहाल सुरेश के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मिशन शक्ति अभियान के तहत आज तेलहर के RBM इंटर कॉलेज में महिलाओं और बच्चियों को जागरूक करने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर में जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली को SDM वेद सिंह चौहान और प्रधानाचार्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः स्कूल प्रांगण में पहुंची। यहां रैली का समापन हुआ।